भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जम्मू कश्मीर की आवाम हंस रही है कि आपने ऐसे कौन से कारनामे किए हैं बताइए, और ऐसे कौन से लोगों के काम किए हैं कि जो आपकी सरकार बनेगी, जो आप ये कह रहे हैं, ये जो इतने इतने बड़े इश्तिहार जो आप छाप रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरा लोगों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनावैली पीर पंजाल के पहाड़ी लोगों के, गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई से जो आप इतने इतने बड़े इश्तिहार दे रहे हैं, इसका हिसाब दीजिए। मुख्यमंत्री का चेहरा तो दिखाएं, जिसके दावे कर रहे हैं, आपके पास कौन सा चेहरा है मुख्यमंत्री का बता दीजिए। और आप तो ये दावा कर रहे हैं, का कहना है आपकी बार 50 बार, और उस उम्मीदवार का ये कहना है जो दूसरी पार्टी से उठ करके इनकी पार्टी में आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं कि 24 उम्मीदवार हमारे जिता दीजिए, अगला मुख्यमंत्री हम खुद बना लेंगे, बताइए। और दूसरा एक उम्मीदवार है वो ये कहता है कि मैंने मिडलमैन का काम किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय में, और वो सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत की थी। वही भारतीय जनता पार्टी आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है, बताइए आप। और इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसे कौन से कार्य किए हैं कि जम्मू कश्मीर के व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स, अवाम, गरीब लोग, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान आपकी सरकार बनाए, क्यों सरकार बनाए जो ये दावे आप कर रहे हैं कि जम्मू की पुकार आ रही है भाजपा की सरकार, तो ये जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम आपकी सुनेगी क्या, आपके स्टार कंपेनर्स की सुनेगी क्या? अगर इश्तिहार इतने इतने बड़े बनाने से मुख्यमंत्री बनना शुरू होते और आपकी पार्टी ये पैसा ला कहां से रही है, चुनाव आयोग इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है जो इतने इतने बड़े इश्तिहार तमाम पेपरों में दिए जा रहे हैं हमारे खून पसीने की टैक्स पेड मनी के तमाम सुर्खियों में हर रोज आ रहे हैं। अफसोस होता है हमारे पीएचई पीडीडी पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स रहबरे खेल जंगलात सेहत एसपी और विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, रिचार्ज वाले मीटर लगा दिए, बिजली की प्राइवेटाइजेशन कर दी, हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया, दर बदर फिरने के लिए मजबूर कर दिया आपने, हमारी रेत बजरी पहाड़ शराब के ठेके, हमारे सारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के तहत आपने जम्मू को लूटा है साहब, और फिर भी आप ये खोखले वादे और जुमले बता करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग अब समझने वाले नहीं हैं, आपको पहचान चुके हैं, आपकी नीयत डोगरा लोग थे भी आखा दे कि ये केड़े जयचंद ने जेड़े भारतीय जनता पार्टी च शामिल होवा दे, एक कड़े नेता बड़े दे ने जेड़ा अपना के घर टुटने उपर त्रोड़ने उपर उससे पार्टी कन्ने हाथ मिला दे जिन्हें सारे स्टेट सब्जेक्ट की खत्म किया महाराजा। उस तो इस बात का भी हो रहा है कि किसी पार्टी ने रियासत के दर्जे के लिए कुर्बानी जंग लड़ी ही नहीं, ये 1,30,00,000 अवाम का मेरे साथ आशीर्वाद था, प्यार था, जो सुप्रीम कोर्ट से रियासत का दर्जा वापस लेके आया, और मैं ये